ललितपुर जनपद के बिरधा ब्लॉक ग्राम पंचायत खजूरिया के छल्लापुर माध्यमिक विद्यालय में पिछले एक साल से यहाँ पर पढ़ने वाले 110 बच्चों के साथ साथ स्टाफ को शौचालय की समस्या थी। आइए देखते हैं इस स्कूल की शौचालय की कहानी क्या थी। आप लोग बाथरूम करने कहाँ जाते हो? बाहर। बाहर क्यों जाते हो? क्योंकि बाथरूम का ताला लगा रहता है। और क्या क्या चाहिए आपको? हमें खेल के सामान चाहिए। क्या क्या खेल के सामान में? गेंद बल्ला, फुटबॉल, चिड़िया बल्ला और पढ़ने के लिए किताबें और जनरल नॉलेज की और कहानी की। आप बाथरूम करने कहाँ जाते हो? बाहर क्यों जाते हो? ताला कभी खुलता है? ताला यहाँ सफाई करने आता है। सफाई करने उस पर मैंने एक साल पहले वीडियो बनाया। उस वीडियो के माध्यम से और वहाँ की एसएमसी के सहयोग से मैं इस वीडियो के माध्यम से बदलाव ला पाया हूँ और यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को शौचालय की समस्या से निजात मिली है। हम लोगों ने एक मीटिंग की, मीटिंग के द्वारा निर्णय लिया कि प्रधान जी के पास जाया जाए और या पंचायत विभाग में उसकी कंप्लेंट की जाए। तो हम लोगों ने प्रधान जी पर दबाव बनाया। तो प्रधान जी ने सफाई कर्मी को कहा, तो आज सफाईकर्मी नियमित रूप से आने लगा है। और साथ ही साथ जो आपकी टीम है इंडिया अनहेट की, उन्होंने उनका काफ़ी सहयोग रहा है, जिन्होंने इस को फोकस किया। उसके प्रभाव से आज सफाई कर्मी आया और पूरे गांव में सफाई की, विद्यालय की सफाई की। मैं शुक्रिया गुजारिश अदा करता हूं इस टीम का, जो समय समय पर हमारे गांव की समस्याओं को निकालकर पूरे देश में फैला रही है और उनके माध्यम से समस्या से निजात मिल रहा है। हमारे ग्राम जिला के शंकरलाल हैं, वो मीडिया के पत्रकार हैं। उन्होंने भी प्रयास किया और मैंने भी लिखित सूचनाएं दी, इससे संभव हो सका है। हम छात्र छात्रा और हमारे टीचर बाहर शौच करने जाते थे। श्रीमान शंकरलाल रेखबार मेरे जो कि मेरे पापा हैं, इन्होंने इस पर वीडियो बनाई और बदलाव किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं वीडियो वॉलेंटियर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये इसी तरह वीडियो बनाए और बदलाव करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए साफ और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। यदि ऐसा आपके विद्यालय में नहीं हो रहा है तो आप लोग स्कूल में जाइए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये कानून का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। आप समस्त गांव वाले सहयोग करें और अपने गांव की समस्याओं को दूर करें। मैं शंकरलाल पुनिलकांक्षी लनपुर से इंडिया अनहेट के लिए।